नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती देने वाली कंगना रनौत ने जिस तरह से अकेले शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर प्रहार किया है, उससे जाहिर है सालों से सत्ता पर बैठी सरकार की नींव हिल चुकी होगी। लेकिन इसके बावजूद बदले की भावना में संजय राउत समेत पूरी महाराष्ट्र सरकार अपनी गंदी राजनीति दिखाने से बाज नहीं आ रही है। इसी बीच कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का ऐलान किया कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार की करतूतों के कारण मुंबई से विदा लेना पड़ रहा है। पहले देखिए कंगना का ये ट्वीट। भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे कमजोर समझने की कोशिश ना की जाए। मेरा दफ्तर तोड़ने के बाद अब घर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। एक महिला को नीचे दिखाने के लिए उद्धव सरकार बहुत ही नीचे स्तर पर आ गई है। इसी के साथ कंगना ने एक बार फिर पीओके का राग अलापते हुए कहा है कि उनको डराया धमकाया गया, इसलिए एक बार फिर कह सकती हूं कि मुंबई को पीओके बनाने वाला मेरा बयान सही है। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से करते हुए संजय राउत पर धमकाने का आरोप लगाया था, और वहीं से महाराष्ट्र सरकार या कहें कि शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत का दौर शुरू हुआ था। और इन्हीं सब विवाद के बीच कंगना ने गृह मंत्रालय द्वारा दी गई Y+ सुरक्षा के साथ 9 सितंबर को मुंबई की धरती पर कदम रखा था, और आज यानी 14 सितंबर को वो मुंबई से मनाली के लिए रवाना हो गई है। चूंकि कंगना ने BMC से वादा किया था कि वो मुंबई शॉर्ट टर्म के लिए जा रही है, जिसके चलते BMC ने उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन से छूट दिया था।